सो स्टूडेंट्स नाउ इन सोशल साइंस यूनिट टू चैप्टर 12 कल्चर एंड साइंस अगेन वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. सो हियर वी विल अगेन कंटिन्यू विद बुद्धिस्ट लिटरेचर. द जटाका स्टोरीज आर अबाउट द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्धा. जटाका स्टोरीज में प्रीवियस पहले के पूर्व जन्म जो थे गौतम बुद्धा के उसके बारे में लिखा गया है. इन विच ही अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ बर्ड ट्री और एनिमल, जिसमें उनको एक मनुष्य के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक पेड़ के रूप में और एनिमल के रूप में उन्होंने जन्म लिया. ऐसा वह इसमें लिखा हुआ है. ईच फॉर्म नोन एज बोधिसत्व, और हर फॉर्म को बोधिसत्व के नाम से हम जानते हैं. पुट अप विथ मेनी मेनी हार्डशिप्स टू हेल्प अदर्स, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए दूसरों की मदद के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है. द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो सार है स्टोरी की, जो एक अच्छी बात है, इज दैट एक्ट्स ऑफ लव, वो दया, वो प्रेम की भावना है, दया की भावना है, काइंडनेस ड्यूटी कर्म के लिए समर्पण है, जेनरसिटी उदारता है, एंड विजडम बुद्धिमत्ता है, सिक्योर अ बेटर प्लेस, जिससे कि एक अच्छा प्लेस मिलता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में. तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ये सारी चीज़ें हम फॉलो करके अच्छे जन्म हमें नेक्स्ट बर्थ अच्छा हमें मिल सकता है, अगले जन्म में हमें अच्छे रूप में हम जन्म ले सकते हैं, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है. थीम्स फ्रॉम जटाका स्टोरीज आर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स ऑन मेनी बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स सच एज द स्टूपा एट बरहुत एंड साची. स्टूपा इज अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मोनूमेंट. तो जो थीम है जटाका की स्टोरीज की, वो जो है चित्रित की गई है बहुत सारे मूर्तियों पर, जो कि बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स जो हैं आपके, बुद्धिस्ट यादगार जो मोनूमेंट्स बने हुए हैं, सच एज द स्टूपा जो बने हैं आपके बरहुत में और साची में. स्टूपा जो है एक तरीके के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बुद्धिस्ट स्मारक होते हैं. अ पैनल ऑफ द ग्रेट स्टूपा एट साची डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ अ वाइस मंकी किंग. एक पैनल यानी नामिक जो है ग्रेट स्टूपा के एट साची पे डिपिक्ट करता है, दर्शाता है, हमें चित्रित करता है स्टोरी एक वाइज यानी समझदार मंकी किंग की. हु लिव्ड विथ हिज ग्रुप ऑफ मंकी, जो कि अपने बंदरों के समूह के साथ रहता था एक पेड़ पर, इन अ मैंगो ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स मतलब वृक्षों का गोल झुंड, तो वो वहाँ रहते थे. अलॉन्ग द रिवर गंगा, और गंगा नदी के पास में था वो. Once a ripe mango fell into the river and got carried to Varanasi. एक बार एक पका हुआ आम जो है नदी में गिर जाता है और वो वाराणसी पानी में बहकर चला जाता है. A fisherman found it in his net and took it to his own king. एक मछुआरे ने उसको पाया अपने मछली फंसाने वाले जाल में और उसे अपने राजा के पास ले गया. Thrilled by its taste, उसके टेस्ट से रोमांचित होकर the king set out इन सर्च ऑफ द मैंगो. किंग ने उस आम की खोज में वो निकल पड़े, मैंगो ग्रुप की, वो आम के पेड़ों का झुंड कहाँ है, एंड फाउंड इट, और उसे पा लिया. ही डिसाइडेड टू किल द मंकी सो एज टू गेट कंट्रोल ओवर ऑल द फ्रूट्स. उसने निर्णय लिया कि वो बंदर को मार देगा और सारे फल जो है उसके कब्जे में हो जाएंगे. द मंकी किंग कॉट होल्ड ऑफ अ थिक क्रीपर हैंगिंग फ्रॉम अ मैंगो ट्री एंड स्वंग अक्रॉस टू द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर. मंकी किंग जो है उसने एक थिक मोटी सी लता को पकड़ा और जो कि लटक रहा था एक मैंगो ट्री से और स्वंप अक्रॉस, और वह स्वंप अक्रॉस टू, और वो झूलता हुआ अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर जो थी नदी के दूसरे छोर पर किनारे पर, वो वहाँ पर चला गया, लटक गया. देयर ही टाइड हिज फीट, वहाँ उसने अपने पैर बांध दिए टू अ रॉक, एक रॉक से, विद द लूज एंड ढीले से एंड ऑफ द क्रीपर, हल्के लताओं के ढीले से एंड के साथ में किनारों पे. He then stretched his body over the creeper. उसके बाद उसने लताओं पर अपनी बॉडी को काफ़ी खींच के रखा, like a bridge, एक ब्रिज की तरह, so that the other monkeys could reach the opposite side, ताकि दूसरे monkey वो opposite side पर वो जा सकें bank opposite जो नदी का किनारा है. By stepping over his body, उसके शरीर पर चल के, having thus led all his subjects to safely, ऐसा करके उसने अपनी सारी प्रजा को, subjects को safely सुरक्षित पहुँचाया. The tired
मंकी, जो थका हुआ मंकी किंग था, कोलैप्स्ड, वो एकाएक गिर गया एंड फेल इन टू द रिवर, और नदी में जाके गिरा. द ह्यूमन किंग वॉज हु सॉ द होल एपिसोड. जो ह्यूमन किंग था, जो राजा था, मनुष्य राजा था, उसने सारे सारे दृश्यों को देखा. रेस्क्यूड द मंकी किंग, मंकी किंग को बचाया, बट अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सेव हिज लाइफ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जीवन को नहीं बचा सका. ही वॉज टच्ड बाई द मंकी किंग्स सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट. वो काफ़ी प्रभावित हुआ था, जो काफ़ी उसके हृदय को छू ले गई थी मंकी किंग की ये जो ड्यूटी वाली बात थी, उसकी जो कर्म की भावना थी अपनी प्रजा के लिए. एंड प्रोमिस्ड नेवर अगेन टू डिस्टर्ब द मंकी, और उसने प्रॉमिस किया कि मंकी को अब मंकीज जो हैं उनको मंकीज जो भी मैंगो ग्रूव में हैं, वृक्षों जो आम के वृक्षों के झुंड में हैं, उन्हें वो कभी भी परेशान नहीं करेगा. द मंकी किंग वॉज अ बोधिसत्व. मंकी किंग जो है एक बोधिसत्व था. बोधिसत्व वो होते हैं अ पर्सन हु इज़ टूवर्ड्स द पाथ ऑफ बुद्धाहुड, जो बौद्ध के पथ पे चलते हैं, बुद्ध जी के पथ पे चलते हैं, वो बोधिसत्व होते हैं. तमिल लिटरेचर, द लिटरेचर नोन एज संगम लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड, एज यू नो उसे कंपाइल किया गया था, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम प्रेजेंटेशन मेड बाई तमिल, जो कि प्रेजेंटेशन बनाया गया था तमिल स्कॉलर्स जो थे, विद्वान थे, एट थ्री असेंबलीज, तीन असेंबलीज पे हेल्ड एट मदुराई, जो कि मदुराई में हुई थी अंडर रॉयल पैट्रोनिज, और वो राजसी संरक्षण के तहत हुई थी. दिस लिटरेचर पॉसिबली बिलोंग्स टू द पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसी टू द थर्ड सेंचुरी एडी. ये जो लिटरेचर है ये संभवतः उस पीरियड से विस्तार है उसका, जबकि सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक. इट इंक्लूड्स पोएट्री एंड वर्क्स ऑन ग्रामर एंड गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द टाइम. ये हमें काफ़ी जानकारी देता है पोएट्री के बारे में, और जो ग्रामर पे वर्क है, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देता है अबाउट द इवेंट्स ऑफ द टाइम, उस समय की घटनाओं के बारे में. फॉर इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए आप सोच समझ सकते हैं, देयर आर फ्रिक्वेंट रेफरेंसेज, बहुत से फ्रिक्वेंट रेफरेंसेज हैं टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द चोलास, चेराज एंड पांड्यास, जो ये तीन चोलास, चेराज और पांड्यास थे, इनके बीच में जो भी द्वंद्व थे, कन्फ्लिक्ट्स थे, मतभेद थे, उसके बारे में हमें पता चलता है. हु रूल्ड ओवर साउथ इंडिया एट दैट टाइम, जो कि शासन किया करते थे साउथ इंडिया के में उस समय पे. देयर आर ऑल्सो रेफरेंसेज टू साउथ इंडियाज ओवरसीज ट्रेड, यहाँ पे रेफरेंसेज हैं साउथ इंडिया की ओवरसीज समुद्र को पार करके जो व्यापार होते थे उसके बारे में भी. थिरुवल्लुवर की जो वर्क हैं, थिरुवल्लुवर्स की जो वर्क हैं, थिरुकुरल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू लाइन पोएम्स, ये दो लाइन की पोएम्स हैं बियरिंग, जो कि धारक है मॉरल्स की, जिसमें काफ़ी अच्छी बातें, आपकी नैतिक बातें लिखी हुई हैं. इट इज़ पॉपुलर टू दिस डे एंड थिरुवल्लुवर इज़ स्टिल हेल्ड इन हाई स्ट्रीम, ये आज भी पॉपुलर है, और थिरुवल्लुवर जो है वो अभी भी काफ़ी हाई, काफ़ी सम्मान रखता है. एमोंग तमिल वर्क्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द संगम लिटरेचर, संगम पीरियड के बाद में जो तमिल वर्क्स जो भी हुए थे, आर द इपिक शिल्पादिगरम और शिल्पादिगरम एंड मानी मेघलाई जो हैं, ये आपके महाकाव्य काफ़ी पॉपुलर हैं. शिल्पादिगरम वॉज प्रोबेबली रिटन बाई इयांगो एडिगल के द्वारा लिखी गई थी. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कोवलन, ये कोवलन की कहानी को बारे में हमको बताता है. अ मर्चेंट प्रिंसेस, एक व्यापारी राजा ऑफ पुहार का व्यापारी राजा था, एंड हिज डिवोटेड वाइफ, और उसकी समर्पित पत्नी कन्नगी थी. कोवलन नेग्लेक्टेड हिज वाइफ, कोवलन अपनी वाइफ को नज़रअंदाज करता था, एंड स्पेंड ऑल हिज वेल्थ ऑन अ डांसर, और अपने सारे धन को वो एक नृत्य करने वाली लड़की पर, नेम्ड माधवी, जिसका नाम माधवी था, उसके ऊपर लुटा देता था. ही हाउएवर रिटर्न टू हिज वाइफ, हालांकि वो बाद में अपनी
पत्नी के पास वापस लौट आया आफ्टर क्वेरल विथ माधवी, जब उसकी लड़ाई हो जाती माधवी से, एंड दे माइग्रेटेड टू मदुरई, और वो माइग्रेट हो जाते हैं और वो वहाँ से मदुरई चले जाते हैं। हेयर कोवलन ट्राइड टू रेज मनी बाय सेलिंग वन ऑफ हिज वाइफ्स ज्वेल्ड एंकलेट्स टू अ गोल्ड, यहाँ अपने धन को बढ़ाने के लिए यहाँ कोवलन जो है अपनी पत्नी के जो पायल हैं, ज्वेलरी हैं, पायल हैं, उसको बेचने के लिए वो सोनार के पास जाता है, उसको बेचकर धन बढ़ाना चाहता है। द गोल्ड स्मिथ फॉल्सली एक्यूज, उसने जो सोनार था उसने झूठा आरोप लगाया, एक्यूज किया कोवलन को ऑफ हैविंग स्टोलन द क्वींस एंकलेट, की उसने रानी के पैर के पायल को चुराया है। कोवलन वॉज इमिडिएटली एक्यूज ऑन द किंग्स ऑर्डर, किंग के राजा के आदेश के बाद उसको निष्पादित कर दिया गया था, कोवलन को वहाँ से निकाल दिया गया था। कर्नगी प्रूव्ड कोवलन्स इनोसेंस बाय शोइंग हर अदर एंकलेट, कर्नगी ने अपने अपने दूसरे पायल को दिखाकर कोवलन की निर्दोष होने को साबित किया था कि वो निर्दोष है। द किंग हु रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डाइड ऑफ द ब्रोकन हार्ट, जो किंग था उसने अपने मिस्टेक को, गलती को रियलाइज किया और टूटे हुए दिल के साथ वह गया। कर्नगी ओवरकम विथ ग्रीफ, कर्नगी जो है काफ़ी दुखी होती है, दुख से भर जाती है, एंड एंगर और गुस्से से, क्रोध से, एवेंज्ड हर हस्बैंड्स डेथ, उसने अपने पति के डेथ जो हुई थी उसके पति की, उसका बदला उसने लिया बाय बर्निंग डाउन द सिटी ऑफ मदुरई, उसने मदुरई के सिटी को, नगर को आग लगा दी थी। मानी मेघलाई अ बुद्धिस्ट इपिक वॉज रिटन बाई सतनागर, सतनागर के द्वारा लिखी गई थी ये इपिक महाकाव्य। इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिज इट्स हीरोइन, ये इसका नाम इसके हीरोइन के ऊपर पड़ा है, हु वॉज द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, जो कि कोवलन और माधवी की बेटी थी। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।